ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. लास्ट टाइम हमने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का टॉपिक फिनिश किया है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं. हमने देखा था कि अगर कोई सिंपल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर रिएक्टिंग टू फॉर्म सी एंड डी, एंड वी सपोज्ड कि जो ए आपके पास कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, अगर इसके स्मॉल ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों या मोल्स हों, इसी तरह कैपिटल बी जो है इसके स्मॉल बी, कैपिटल सी के स्मॉल सी एंड कैपिटल डी के स्मॉल डी नंबर ऑफ मोल्स, अगर इस रिएक्शन में इस तरीके से ये बैलेंस्ड रिएक्शन बन रहा है, तो फिर हम लोगों ने कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मास के ऊपर. और ये जो चीज़ थी, ये जो मैंने अभी लिखा है रिलेशनशिप, इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं. ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा था कि जो एक्टिव मैसेज हैं उनको हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं. ठीक है, सो आई वुड से कंसंट्रेशन ऑफ ए, और चूंकि ए के इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन टू कंसंट्रेशन ऑफ बी अगेन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. एंड हमने फिर फाइनली ये बोला कि आर को जब हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू में चेंज करेंगे, विल पुट अ कॉन्स्टेंट ओवर हियर, दिस इज द कॉन्स्टेंट कॉल्ड द रेट कॉन्स्टेंट. एंड रेट कॉन्स्टेंट की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका यह है कि आप ए के और बी के वन मोलर सोल्यूशन लो. ठीक है, तो आप वन मोलर लोगे तो वन रेज टू पावर एनी थिंग इज सिंपली वन, सो यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ के. सो जब वन मोलर सोल्यूशन लिए जाए रिएक्टेंट्स के, तो उस वक्त जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है वो आपका बेसिकली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगेन लिंक्ड विद द सेम इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी कॉल दिस इक्वेशन एज द रेट इक्वेशन. और रेट इक्वेशन से हाउ डू वी रिलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज आवर टॉपिक टुडे. ये जो रेट इक्वेशन के अंदर कंसेंट्रेशंस हैं ए की और बी की, इनके जो आप एक्सपोनेंट्स देख रहे हो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दीज आर कॉल्ड द ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन. फॉर एग्जांपल मैं इस पूरी इक्वेशन को, ये जो आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी लिखा हुआ है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो ये बता रही है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ए with order small a and it depends on b with respect to order small b. यानी के जो rate of reaction है वो a पे किस हद तक depend कर रहा है वो ये a की power determine करेगी. Similarly rate of reaction b पे किस हद तक depend कर रहा है ये b की power determine करेगी. ठीक है, so let me give you an example. 3 moles of a and 2 moles of B react to form 1 mole of C and 2 moles of D. Alright? Now, आपके जहन में जो पहली बात आ रही है वो ये आ रही होगी कि R is equal to, यहाँ पे पहले तो एक constant K आ जाएगा, A to power 3 into B to power 2. यही आ रहा होगा. क्या जरूरी है कि इसकी rate equation exactly यही बने? No, not necessarily. अब होता यह है कि एक्सपेरिमेंटली ना जो मुख्तलिफ केमिस्ट्स हैं वो इनकी वैल्यूज डिटरमिन करते हैं कि किस रिएक्शन का जो रेट है वो ए के ऊपर किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है और बी के ऊपर किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है प्रैक्टिकली इस रिएक्शन का रेट पता चलाया जाए और वो आपको पता चले कि वो ऊपर वाली इक्वेशन नहीं है बल्कि ये वाली इक्वेशन है, 1 b to the power 0. अब यू नो एनी नंबर टू द पावर 0 का क्या मतलब होता है. इफ यू रेज 3 टू द पावर 0 इट एक्चुअली मींस 1. एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1. सो बेसिकली ये आपके पास 1 लिखा हुआ है. द रेट इक्वेशन इज सिंपली स्टेटेड एज r इज इक्वल टू k टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर 1, एंड दिस इज कॉल्ड अ लीनियर रिलेशनशिप. जो आप में से मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं दे वुड बेटर अंडरस्टैंड लीनियर क्वाड्रेटिक
एंड क्यूबिक रिलेशनशिप्स. लीनियर रिलेशनशिप्स वो होते हैं जैसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू समथिंग x, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक रिलेशंस आर समथिंग लाइक y इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड, एंड क्यूबिक रिलेशंस डिपेंड ऑन द क्यूब ऑफ द वेरिएबल, ठीक है. यहां पे द कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, सो इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप, विच मीन्स दैट एज a इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है. बट b रेज टू द पावर 0 यहां पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि b को आप जितना मर्जी बढ़ा दो कम कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन b विद रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन a विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1. और अगर पूरे रिएक्शन का आपने ऑर्डर बताना है, व्हाट डू यू डू इज यू एड दीज टू इंडिविजुअल ऑर्डर्स, ठीक है. सो लेट्स फॉर्मली डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाउ. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन, यू कैन सिंपली डिफाइन इट एज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स से ऊपर पावर आपने ली हुई होती है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, डेफिनेटली कंसेंट्रेशंस इन द रेट इक्वेशन, ठीक है. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जो आपने रेट इक्वेशन जैसे ऊपर आपने मैंने आपको बताया, दिस इज द ट्रू रेट इक्वेशन. सो इस रेट इक्वेशन में द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब एक बात अभी तक आपके जहन में फंसी हुई होगी जो आप अभी आप समझना चाह रहे होगे, व्हाई इज दिस कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये रेट इक्वेशन नहीं है बल्कि नीचे वाली है, ठीक है. ये दोनों आपस में डिफरेंट क्यों है, हालांकि लॉ ऑफ जो मास एक्शन आपने पढ़ा था वो तो आपको यही कह रहा था ना कि ए की पार ए होना चाहिए, बी की पार बी होनी चाहिए. बट ये क्या हुआ कि आपने एक्सपेरिमेंटली पता किया तो थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं. अब ये जो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली थोड़ा फर्क आ रहा है, मैं अब आपको इसकी रीजन बताता हूँ, ठीक है. मैं अब आपको रीजन बताने लगा हूं कि ये जो आपकी रेट इक्वेशन है वाई इज इट डिफरेंट जिससे होनी चाहिए, मतलब वो क्यों नहीं होती है, थोड़ी सी डिफरेंट क्यों होती है. उसकी रीजन ये है कि अगर ए और बी आप कह रहे हो ना सी और डी में चेंज हो रहा है, या मसलन ए और बी सी में बेशक चेंज हो रहा है, व्हाटएवर द रिएक्शन इज, तो एवरी रिएक्शन इन दिस वर्ल्ड विल नेवर हैपन इंस्टेंटेनियसली. ऐसा कभी होता है कि आप कोई चीज दो चीजें डालो और विद इन माइक्रो सेकेंड रिएक्शन हो जाए? इट टेक्स सम टाइम, कुछ टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 5 seconds लगे ये रिएक्शन होने में. अब ये जो 5 seconds है ना ये ओवरऑल ये होने में नहीं हुआ बल्कि इस रिएक्शन के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं. हो सकता है सबसे पहले ये हो कि ए जो है, फॉर एग्जाम्पल ए इज NaCl, तो पहले स्टेप में ये होगा कि NaCl टूट के Na प्लस और Cl माइनस के अंदर चेंज होगी. सिमिलरली दूसरे स्टेप के अंदर हो सकता है ये हो कि जो Cl- है ये Cl2 के अंदर चेंज हो जाए और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दे, ऑक्सीडेशन हो जाए. सिमिलरली 3-4 स्टेप्स के अंदर ओवरऑल ये रिएक्शन होगा. अब इन स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स होते हैं फास्ट और कुछ स्टेप्स होते हैं स्लो. जो स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं उनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स. और जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेट इक्वेशन, ठीक है. लेट्स डू एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू व्हाट आई सेड. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया जाए, इट गेट्स फर्दर ऑक्सीडाइज्ड एंड चेंजेस इनटू नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है. दीज आर टू बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. यू विल स्टडी देम इन डिटेल इन इंशाल्लाह इन पार्ट 2. अच्छा, दिस इज द रिएक्शन, अ वेरी सिंपल रिएक्शन. अब इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन में अगर आपको वैसे लिखने को कहूँ तो आप शायद ये लिख दो, R इज इक्वल टू के इन टू NO2 की कंसेंट्रेशन टू द पावर 2 एंड O3 की कंसेंट्रेशन टू द पावर 1, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है. बट एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली इसका डिटर्मिन रेट इक्वेशन है वो ये है, NO2 टू द पावर 1 एंड O3 टू द पावर 1. इस बात का यह मतलब हुआ कि थ्योरेटिकली आपको यह लग रहा है कि NO2 जितना भी होगा उसको अगर स्क्वायर किया जाए तो रेट उस तरीके से बढ़ेगा.
जबकि रियल लाइफ में ये होता है कि एनओ टू की पावर अगर वन हो तो रेट को इस तरीके से फर्क पड़ रहा होता है। वैसे मैं आपको जुबानी एक बात समझाता हूँ मैथमेटिकली, इफ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई डिपेंड्स ऑन एक्स स्क्वायर, इन दोनों बातों में फर्क क्या है? अगर x में आप 1 का डिफरेंस लाओ या 2 का लाओ तो y में भी 1 या 2 टाइम्स ही का डिफरेंस आएगा। अगर आप x को 3 टाइम्स करोगे तो y भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 3y हो जाएगा। अलबत्ता नीचे अगर आप x को 3 टाइम्स करोगे तो ये 3 स्क्वायर यानी y 9 टाइम्स हो जाएगा। y विल बिकम 9 टाइम्स वंस x बिकम्स थ्राइस। सो ये जो ऊपर वाला रिलेशनशिप है ये आपको ये बता रहा है कि जो NO2 की कंसेंट्रेशन में हल्का सा भी फर्क पड़े तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, यानी स्क्वायर के हिसाब से फर्क पड़ेगा। जो नीचे वाली इक्वेशन है वो ये कह रही है कि NO2 में अगर फर्क डाला जाए कुछ तो ऑलमोस्ट उतना ही फर्क पड़ेगा R के अंदर। और अगर ये यू लिखा होता NO2 टू द पावर जीरो, इसका मतलब ये होता है कि NO2 की पावर आप जो मर्जी NO2 को कर दो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ NO2, राइट। So practically it has been experimentally determined that this is the rate equation. Now अब इसकी reason क्या है? अब इसकी reason ये है कि NO2 first of all gets oxidized and changes into N2O5 in a different reaction. Now in this respective reaction if you see this is the slowest of the reactions, और इस reaction के अंदर NO2 का एक ही molecule involved है और ओजोन से बेसिकली ओ प्रोड्यूस हुआ है यहां पे, ये भी एक ही इन्वॉल्व्ड है। सो ओवरऑल आई वुड से कि इन दोनों का एक एक जो है ऑर्डर ही होगा इन द रेट इक्वेशन, ठीक है। आपको याद कर रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि एक्सपेरिमेंटली ये किस तरीके से किया गया है और मुख्तलिफ रिएक्शंस के ऑर्डर्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया कि ये ऑर्डर्स एक्चुअली बता क्या रहे हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ स्मॉल प्रैक्टिस of some reactions जो कि मुख्तलिफ orders के हैं, starting from the zeroth order reactions. Zeroth order का मतलब है यानी rate does not depend on the concentration of reactants. For example, ammonia, it changes into nitrogen and hydrogen. It is the reverse of the Haber's process. Haber's process is used to manufacture ammonia from nitrogen and hydrogen. अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस्ड फॉर्म में देखा जाए तो ये है। अब आपको ये लग रहा होगा कि रेट इक्वेशन इसकी कुछ ऐसे बननी चाहिए, रेट इज इक्वल टू के इनटू अमोनिया कंसेंट्रेशन टू द पावर टू, बट प्रैक्टिकली इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट दिस पावर इज नॉट टू, रादर इट इज जीरो। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। आप अमोनिया एक ग्लास लो अमोनिया का, वन मोलर सॉल्यूशन का या टू मोलर सॉल्यूशन का, आप दो ग्लासेस लो, आप पूरी दुनिया को बेशक भर दो, सारा अमोनिया ही प्रोड्यूस कर दो, डज नॉट मैटर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 kg रिएक्टेंट लो तो रिएक्शन का कोई ना कोई रेट है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन का रेट यह है कि वो 3 सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। इफ यू टेक 2 kg तो रिएक्शन का रेट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है अब वो 1.5 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा रिएक्शन। इसका मतलब है कि रेट, आप अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो रेट पे फर्क पड़ रहा है। अलबत्ता जीरोथ ऑर्डर का ये मतलब होता है कि अगर पहले 3 सेकेंड था ये बाद में भी 3 ही रहेगा, आप इसको 1 million kg भी अगर कर दो ये 3 सेकेंड में ही होना है रिएक्शन। इसका मतलब है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना अमोनिया ले रहे हो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके अलावा व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू प्रोड्यूस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस रिएक्शन हैपेंस। सो इस रिएक्शन के अंदर भी इसका ऑर्डर भी जीरो ही है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H2 एंड Cl2। इसके अलावा द रिएक्शंस जो कि एंजाइम्स के थ्रू कैटलाइज किए जाते हैं, जिनके रेट को कंट्रोल किया जाता है, अगेन उनका भी ऑर्डर जीरो होता है, यानी रिएक्टेंट्स के चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो वजह है कि हम लोग एंजाइम्स यूज करते हैं, फिर हम एंजाइम्स यूज करते हैं ताकि हम रेट को कंट्रोल कर सकें,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही वाला रिएक्शन है अमोनिया वाला, इसको आप तेज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? वैसे तो ये तरीका होता है कि आप जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो रेट तेज हो जाएगा, बट ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो पार्ट जीरो है। सो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, फिर एंजाइम्स एज कैटलिस्ट्स यूज करने पड़ते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को तेज या स्लो करते हैं। देन देयर आर मेनी एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अगर देखे जाएं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब होता है लीनियर रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम NH4 होता है प्लस वन एंड नाइट्राइट इज NO2 माइनस वन, अमोनियम नाइट्राइट डीकम्पोजेज इंटू नाइट्रोजन एंड वाटर, इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसका रेट जो देख के आपको लग रहा है इसका एक्चुअली भी यही होता है, ठीक है, दिस इज द रेट इक्वेशन। यानी आप अगर इसकी कंसेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, और अगर कंसेंट्रेशन को आप 3 times करोगे तो रेट भी 3 times हो जाएगा, राइट? सो इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर रिलेशनशिप। सो फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी रिएक्शंस हैं दे फॉलो अ लीनियर रिलेशनशिप। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स इंक्लूड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो कि ऊपर आपको मैंने रिएक्शन में बताया था, जो कि वेयर डिड इट गो, यस हियर इट इज, व्हेन वी ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट चेंजेस इनटू नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ लेट्स गो डाउन हियर, दिस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इट इटसेल्फ डीकम्पोजेस, ठीक है, एंड इट डीकम्पोजेस इनटू नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और N2O4 अलोंग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। नाउ इसका भी आपको देख के लग रहा होगा 2 होता है, बट एक्चुअली 2 नहीं होता, इसका रेट इक्वेशन यू बनती है N2O5 रेज टू द पावर 1, लाइक द केस जो ऊपर था। सो इनके अंदर देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ कम द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं इनके अंदर द रेट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द कंसेंट्रेशंस। फॉर एग्जांपल अब इसकी पॉसिबिलिटीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, हो सकता है एक ही रिएक्टेंट हो ए और ए इसकी इसका स्क्वायर हो, ठीक है, सो रेट कुड बी समथिंग लाइक दिस, और रेट इस तरीके से भी हो सकता है कि दो मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स हों, एक ए और एक बी, और उन दोनों के साथ लीनियर रिलेशनशिप हो। अब ओवरऑल इसका भी ऑर्डर मैं 2 ही बोलूंगा क्योंकि सम होता है दोनों एक्सपोनेंट्स का, सो इसका भी ऑर्डर 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की होती हैं। इसमें यह होता है कि अगर आप कंसेंट्रेशन को हल्का सा भी चेंज करो ना, रेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, यानी कंसेंट्रेशन अगर आप 2 times करोगे तो रेट पे 2 times नहीं बल्कि 4 times फर्क पड़ जाएगा, और कंसेंट्रेशन अगर आप 3 times करोगे तो रेट के ऊपर 9 times फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी एक्टिव और ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं रेट को कंट्रोल करने में, ठीक है। सो इस तरह के रिएक्शंस का जब आपने रेट कंट्रोल करना होता है, यानी रिएक्शन को स्लो करना होता है या तेज करना होता है, तो आप सिंपली जो रिएक्टेंट्स हैं उनको आप चेंज कर लेते हो, तो उससे रिएक्टेंट्स रिएक्शन जो होता है वो अंडर कंट्रोल रहता है। अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन का ऑक्साइड विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट डीकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड अलोंग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स बैलेंस्ड लाइक दिस, और इसका जो रेट है वो जैसे आपको देख के नजर आ रहा है यही होता है इसका NO2 रेज टू पावर 2। देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स, अगेन यू कैन रेफर टू देम फ्रॉम योर बुक एंड फ्रॉम द वेब। आई रिकमेंड के यू डू सम रिसर्च एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज रिएक्शंस इन डिटेल के इनके अंदर कौन सा ऐसा स्टेप है जो एक्चुअली स्लो है, जो रेट को डिटर्मिन कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर ये आपकी रेट इक्वेशन बन रही है। बट अगेन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट साइड स्टडीज के लिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस तो समझ लो कि एक वो एंड हो जाता है ना, यानी आप हल्का सा भी चेंज कर दो, अगर आप 3 times चेंज करोगे ना रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को तो रेट पे 27 times फर्क पड़ जाएगा, और अगर आप 4 times चेंज करोगे सिंपली
तो 64 टाइम्स जो है वो चेंज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब इसमें ये हो सकता है कि कोई एक ही रिएक्टेंट हो ए, तो उसकी पावर 3 हो सकती है, या ऐसा हो कि दो या तीन किस्म के रिएक्टेंट्स हैं ए बी सी वगैरह, तीनों की पावर 1 है, तब भी मैं ओवरऑल जो है ऑर्डर को 3 ही बोलूंगा, यानी 1+1+1। सो देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, ये हो सकता है कोई एक हो ए और एक हो बी और एक ए स्क्वायर हो और साथ बी हो, या ए इंटू बी स्क्वायर हो, या अ सिमिलर सिनेरियो कुड बी देयर। एन एग्जांपल ऑफ दिस केस इज द रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड टू मेक फेरस आयोडाइड, आयरन 2 आयोडाइड है ये, और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ KCl and iodine. Again, I've taken this reaction from your book. So this is the reaction. और इसका जो rate है अब वो FeCl3 to power 2 and Ki to the power 6 नहीं है. Instead, it is simply rate is equal to K times FeCl3 as is and Ki to the power 2. Again, this is for the reason कि इसके अंदर जो slowest steps हैं, जो rate को actually determine कर रहे हैं, they involve वन मॉलिक्यूल ऑफ FeCl3 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Ki. फॉर दोज ऑफ यू हु रियली अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, आई वुड टेल यू कि आप देखो यहां पे I2 है, यहां पे I माइनस वन है. सो बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स I के, यानी दो एटम्स I के I2 के अंदर चेंज हुए हैं. तो बेसिकली देर आर टू KIs ओवर हियर because the oxidation is taking place for two iodines. The rest of the four iodines, where did they go? They are over here. They are still I minus 1. So they did not actually participate in the rate equation. So again, do not worry. This is not a part of your course. And we can keep moving. Now, the other type of reactions, jo order ki types hoti hain, usme ek to fractional hote hain. और उसके अलावा नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं. फ्रैक्शनल का मतलब हो गया कि वो फ्रैक्शन के अंदर होता है, कोई फ्रैक्शन होती है. फॉर एग्जांपल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी के इज इक्वल टू सॉरी के कह रहा हूँ आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 3/2 इंटू बी टू द पावर 2, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ ऑर्डर कैन ऑल्सो अकर, ये भी हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं, एंड देर कैन बी अ केस कि आपका रिजल्ट इस तरीके का ही आ जाए. The interesting case is the negative order reaction. ये बहुत interesting case है. इसमें यह होता है कि something A is changing into something B. और आपका order of reaction जो है वो इस तरीके से होगा कि rate equation यूं बनेगी आपकी A to the power let's say 2 into B to the power negative 1. अब ये overall तो अगर मैं order बोलूँ तो वो तो 2 minus 1 1 बन रहा है. बट इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो ये रेट इक्वेशन आपको ये बता रही है कि ए जितना भी होगा उसका स्क्वायर करें तो रेट इक्वेशन को वो फर्क पड़ रहा है, उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर फर्क पड़ रहा है. अलबत्ता बी जो है उसकी पावर माइनस वन है, इसका मतलब आप बी जितना ज्यादा करोगे, माइनस वन का मतलब ये एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, तो बी ज्यादा करने से रेट कम होगा, यानी बी ए ज्यादा करने से रेट बढ़ेगा, बी ज्यादा करने से रेट कम होगा. इसका मतलब है रेट डज नॉट इवन डिपेंड ऑन ए, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बी. ये तो वो जो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था ना, लॉ ऑफ मास एक्शन आपको ये कह रहा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड द रिएक्टेंट हियर इज आई राइट इट आई हाईलाइट इट इन येलो, दिस इज योर रिएक्टेंट. बट इंटरेस्टिंगली द रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, और B is not the reactant, but still A जो B के अंदर change हो रहा है वो इस बात पे भी depend कर रहा है कि B अब कितना form हो चुका है, ठीक है. अब again इसकी power minus 1 भी हो सकती है, minus कोई fraction भी हो सकती है, और minus 2 भी हो सकती है. minus 2 का फिर मतलब होगा कि B के ऊपर बहुत ज़्यादा depend कर रहा है फिर rate of reaction. This is it for today's lecture. आज के lecture के अंदर हमने initially तो order of reaction define किया, हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ रिएक्शंस का एक्सपेरिमेंटली और जो थियोरेटिकली है वो आपस में डिफर कर सकता है, ठीक है. उसके फिर हमने रीजन आइडेंटिफाई की, देयर इज सम रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो कि हर रिएक्शन का कोई डिफरेंट होता है, और जो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डिटरमिन द रेट इक्वेशन.
नाउ उसके अलावा हमने फिर डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शंस देखे, जीरोथ ऑर्डर के रिएक्शंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन फाइनली वी सॉ द फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस, और सारों का फिजिकली मैंने आपको मतलब समझाने की कोशिश की है। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक तो आज जो मैंने आपको सिखाया था रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, एंड विल सी के रेट इक्वेशन जो है बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह के बारे में ये बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, और प्रैक्टिकली रिएक्शन होगा कैसे सारी इन्फॉर्मेशन रेट इक्वेशन में छुपी होती है। सो रेट इक्वेशन को डिटर्मिन करने के तरीके क्या हैं, मेथड्स, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल हैं, कुछ केमिकल मेथड्स हैं, कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, हम उन मेथड्स को आगे स्टडी करेंगे।